सुनो। हाँ? बुड्ढा घर पे है। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है तमीज से बात किया करो। जानती नहीं हो ये मेरा स्टाइल है, इंडियन फिल्म में मेरी कमजोरी है, रेखा मेरी मंजिल है। क्या? मगर तुम तो मुझसे प्यार करते हो। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, हासिल रेखा को करना चाहता हूँ, ख्वार श्रीदेवी को करूंगा। और वैसे भी सुना है सलमा आगा आजकल खाली है। ओहो भाई, आखिर हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है जो हर वक्त इंडिया की तारीफ करते हो? हमारे मुल्क में अगर किसी चीज की कमी है तो वो अपने मुल्क के चीजों को पसंद करने की कमी है। जब तक मेरा नाम इलियास था मुझ पे मक्खी नहीं बैठती थी, और जब मैंने अपना नाम बदलकर आनंद कुमार शर्मा रख लिया है, सुबह दोपहर शाम तीनों शो हाउसफुल जा रहे हैं, तीनों शो हाउसफुल जा रहे हैं। और अगर लड़कियों के उस रश में तुम मुझे भूल गए तो फिर तुम भी मुझे भूल जाना पा रहे हो। तो क्या प्यार भुलाने के लिए होता है? ना ना, आजकल प्यार सताने के लिए होता है, तपाने के लिए होता है, जलाने के लिए होता है, पटाने के लिए होता है, भगाने के लिए होता है, फंसाने के लिए होता है, शादी के लिए नहीं होता। खुदा के लिए, खुदा के लिए एक बार तेरे खाते पाकिस्तान लौट आओ, पाकिस्तानी बन जाओ। जब मैं सीधा साधा पाकिस्तानी था, मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा? तुमने कहा परे हट बावले। और तुम्हें याद है तुम जहाज में एयर होस्टेस थी, फ्लाई कर रही थी, और मैं दुम में बैठा हुआ था। मैंने तुमसे दुम में से कहा, मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा था गेट आउट। करेक्ट। मैं इतना बावला उस वक्त भी नहीं था कि चलते हुए जहाज से कूद जाता। और आज आज जब पाकिस्तानी कोरे लट्ठे के ऊपर मेड इन इंडिया की मोहर लगकर आ गई है, तो थान धड़ाधड़ बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है। मगर तुम तो कहते थे तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अरे चला चला चला, आजकल हम लड़कों के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम जैसी लड़कियों के पीछे अपना वक्त बर्बाद करे पाए। क्यों? और नहीं तो क्या। अरे शुक्र करो हम लोग तुम्हारी तरफ देख भी लेते हैं, अगर हम ना देखें तो तुम्हारी सारी जिंदगी आईने से ये पूछती हुई गुजर जाएगी कि बताओ तो सही मैं कैसी हूँ। सारी सारी जिंदगी बर्दाश्त करते हैं, सारी सारी जिंदगी, चौथे दिन आईना भी कहेगा परे हट, नहीं तो देता हूँ चौंक। मगर तुम तो मेरी आंखों की बड़ी तारीफ करते थे, कहते थे तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं। हाँ दिमाग फिर गया था, इसलिए कहा था तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं, और तुम मुझे उसी झील में गर्क करने के चक्कर में हो। अरे तुम जैसी 636 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, आउट आउट आउट, गेट आउट, आउट यू गो। ठीक है जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो, मैं तो ये कह रहा था इस तरह के घटिया लड़के भी तो होते हैं जो ऐसी घटिया बातें करते हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं भी डर गया था। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। वो मेरे डैडी है ना, पुराने फैलाद के मालिक है, पाकिस्तानी चीजें पसंद करते हैं, वो भी पुरानी। अरे डोंट यू वरी, सेट कर लूंगा। बस तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ। हाँ? कि क्या इस वक्त बुड्ढा घर पे है? There is a call for you from Brazil. Would you like to talk, please? Yes, yes. For me? Yes, sir. Go ahead, go ahead. All right, sir. Please carry on. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Assalam. Oye, budda ghar pe hai. Beta, ek dafa tera ghar pata chal jaye. Mujhe bhoolne ki bimari hai. फिर तू सारी जिंदगी पूछता फिरेगा अम्मा घर पे है। हेलो अंकल, हाय। कौन है ये? ये आनंद है, मैं जिस फ्लाइट पर सफर करती हूँ ये उसी फ्लाइट पर सफर करते हैं। ओ फजाई ख्वार हैं जी सर, आसमानी छिछोरे। राइट सर। ओके नो प्रॉब्लम, आई टॉक विद हिम, नो प्रॉब्लम, आई टॉक। बॉय सर, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? सर माय नेम इज आनंद कुमार शर्मा। शर्म करो, बुजुर्गों के सामने खड़े होकर उचक रहे हो। Boy? Yes, sir. Are you Indian? No, sir. I'm very much Pakistani. Oh, you local? Correct, sir. Okay, okay. Shut up! Pakistani hokar Indian wala naam, Musliman hokar Hindu wala naam, ye doglapan hum pasand nahi karte. Hum kehte hain nikal jao yahan se, ghar se. Acha, get out! Shut up! Okay.
मैंने अपना नाम इलियास से बदल कर आनंद कुमार रख लिया तो आप मुझे दोगला कह रहे हैं, और वो जो यूसुफ खान है जिसने अपना नाम दिलीप कुमार रखा हुआ, जब वो पाकिस्तान आया तो पूरी कौम ने उसको सर पे बिठा लिया। बेटा हो सकता है कौम सायराबानों के चक्कर में हो। Here lies the point, sir. Daddy, ये आजकल इंडियन फिल्मों में काम कर रहे हैं। रियली? Yes, Dad. बेटी पाकिस्तान में क्या फिल्में बननी बंद हो गई हैं? नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में फिल्में बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन इंडियन हीरोइंस की बात ही कुछ और है। You know, they are so cultured, they are so nice looking, they are so pretty, so beautiful. Oh. Once you watch them in the movie, you feel like watching them again and again, again and yeah, again. Yeah, yeah. First class, yeah, like yeah. Sri Devi, yes, so beautiful, you know. चिरेडी होती हैं सर, अपनी इल्ज़ा का ख्याल रखती हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं। इंडियन हीरोइन देखिए दुबली पतली होती हैं, ये हीरो ने यूं करके उठाया। एक मिनट बेटी आप अंदर जाएं। क्यों? ये ऐसी उठने उठाने की बात हो रही है। अच्छी अंकल ये सेंसर्ड है। अच्छा देखिए ना, ये हीरो ने हीरोइन को यूं करके उठाया और इसी तरह से जहाज से कूद रहा है, ट्रेन से कूद रहा है, नदी में से गुजर रहा है, नाले में से गुजर रहा है, झील में से गुजर गया। और सर एक दफा मुझे पाकिस्तानी फिल्म में काम करने का इत्तेफाक हुआ, पाकिस्तानी डायरेक्टर ने मुझसे कहा ओए ये पाकिस्तानी हीरो ने उसको उठाओ, मैंने उसको उठाया और अंकल मैं बैठ गया। 16 साल हो गए ये हड्डी कोई डॉक्टर जोड़ने के लिए तैयार नहीं है सर। भाई हुआ क्या? हाँ। तुमने उसे उठा लिया होगा लंबी वाली को। एग्जैक्टली भाई वो तो 2 दफा खेतों में जंप मारे तो 4 साल गंदुम पैदा नहीं होता। रियली सर अंकल वैसे आपकी फिल्मों पे बड़ी नजर है। बेटे मेरी काफी जगह नजर है। 8-10 साल पुरानी नजर है। डैडी ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा मुझसे? मुझसे आपसे? हाँ बेटे क्या बच्ची ठीक कह रही? कन्या बिल्कुल ठीक कह रही है पिताजी। अच्छा बेटे ये तो हमारा मजहब ही चेंज कर रहा है। इसे कहो हम बड़ी मुश्किल हमें खबरदार इंडिया की सरहद में ना खींचे, हम बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में सेट हुए भाई। आखिर आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते वी शांताराम जी? वी शांताराम आओ गंगू प्रसाद आओ। ये गंगू प्रसाद मैं वी शांताराम। नमस्कार माया देवी जी। नमस्कार माया देवी बेगम, हम इंडिया में कब सेट हुए? पिताजी कन्या भी है, कन्याकुमारी भी है, पवित्र अग्नि भी है, पंडित भी है, क्या ख्याल है? इस पवित्र अग्नि के साथ फेरे लगवा दीजिए, हम दोनों विवाह के अटूट बंधन में बन जाएंगे। पंडित जी, जी। मंत्र शुरू कीजिए। बुंदू कबाब लो काला पराठो बुंदू खान रो हीरे मारो रे रे हिलो समर त्रिम्बो रामा बच्ची फेरे लगा वालन घरे लाना दे शिगलो पे पड़े रे हीरो मार मर लो हीर मश्रू अंबा पतली तरह और टमाटर हिरलू सुरली मार हरम्बो पड़ली पतली मार हिरम्बो प्रक्रिया। क्या कर दिया अंकल आपने, सात फेरे पे रोक दिया। वे भाई सात फेरे हो जाते लड़की तुम्हारी हो जाती, हम घर बैठे हिंदू हो जाते यार। इसका क्या कमीने का, ये तो लिया 1 किलो कोले, हमारी लड़की तो निकल गई थी ना। अबे ओ तुझे कहा था कबाब अंदर बनेंगे, यहाँ क्यों लिया अंगीठी? मैं तो दिखाने के लिए लाया था, आज सही है कि नहीं? अपने आप को भी देखा शकल से, इबलीस की बेवा लग रहा। जाओ लो जाहिला, देखा तुमने अभी हो गया था काम, एक अंगीठी पे कभी लड़कियों की शादी होती है? बदतमीज लोग, बुजुर्गों से बात करने का ये सलीका नहीं है। जाओ अपने अब्बा को लेकर आओ, उनसे कहो कि बाकायदा हमसे रिश्ता मांगे, फिर हम शादी का फैसला करेंगे। जाओ। ठीक है, मगर आप यही चाहते हैं तो मैं अपने वालिद को लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए पिताजी, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, मेरी इस मोहब्बत के रास्ते में अगर कोई आया तो मैं उस दीवार को गिराने में पहल करूंगा, ये बात ठीक तरह से सुन। तुम भी गौर से सुन लो, तुम्हें कल तलाक दे रहा हूं।